हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे फेवरेट बैंगन भरता की रेसिपी बताने वाली हूँ। वैसे तो मुझे काफी दिनों से ये रेसिपी दिखानी थी, लेकिन फाइनली आज मुहूर्त निकल ही गया। तो इस रेसिपी की खास बात ये है कि इसको अच्छे से भुना जाता है गैस पे, बिल्कुल वो अच्छा भट्टी वाला फ्लेवर देने के लिए। लेकिन इसको हम और भी फ्लेवरफुल और एकदम मज़ेदार टेस्टी बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम भुनने वाले हैं टमाटर, मिर्ची और लहसुन भी। तो इस टेस्ट को ना, इस सब्जी के टेस्ट को एकदम लेके जाएगा अलग ही लेवल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज बना सकूं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये बड़ा वाला बैंगन, जिसे भरता बैंगन भी कहा जाता है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे स्लिट्स दे देंगे, तो ऐसे कट्स दे दीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि ये एकदम अंदर से भी अच्छे तरीके से भुन जाए। क्योंकि अंदर से कभी कभी ऐसा होता है कि बैंगन थोड़ा सा कड़क रह जाता है, वैसा बैंगन हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और दूसरा रीज़न कट्स देने का ये है कि इसके अंदर हम डालेंगे ये सारी चीज़ें। ये देखिए, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये लहसुन, तो थोड़े थोड़े दूरी पर ऐसे लहसुन के टुकड़े, मिर्ची, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें डालेंगे। इसकी वजह से जो इसका फ्लेवर आएगा ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतना मज़े का बनता है। मैंने खुद 3 से 4 बार ट्राई किया, उसके बाद ही मैं ये रेसिपी आप फाइनली आपके पास लेके आई हूँ। तो कुछ स्लिट्स में मैंने डाला है ये तीखी वाली हरी मिर्च, और कुछ स्लिट्स में मैं डाल रही हूँ लहसुन। तो सारे लहसुन और हरी मिर्च डाल दीजिए। ये देखिए, रेडी हो गया है बैंगन। और फिर अपने हाथों में हल्का सा तेल ले लेंगे और चारों तरफ ऐसे ग्रीस कर लेंगे। इससे जो बैंगन है ना, अच्छी तरीके से भुन जाएगा। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 2 टमाटर भी, तो उसे भी मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ, वही जो तेल मेरे हाथों में है। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 हरी मिर्ची। ये उसके अलावा हरी मिर्ची जो मैंने अंदर डाला है, तो ये कम तीखी वाली है, ये भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो 2 मैंने तीखी यूज़ की और 2 कम तीखी। इसको अभी हमको गैस में भूनना है। तो यहाँ पे मैंने रिंग रख दी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर फ्लेम में करेंगे ना, मतलब आपका गैस थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। तो इसके ऊपर का आप कोई रिंग या ऐसा कुछ स्टैंड रख दीजिए तो आसानी होगी। तो उसको पहले प्लेस कर लेंगे, और साइड में मैं रख दूंगी ये दोनों टमाटर भी, और मिर्ची भी रख देंगे। तो मिर्ची ध्यान से रखिएगा थोड़े से कोने में, क्योंकि वो जल्दी से भून जाती है और एक काली हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा पलट पलट के ऐसे भूनते जाएंगे। देखिए, मिर्ची तो ऑलमोस्ट काली ही हो गई है, टमाटर को भी थोड़ा सा पलटाते जाएंगे। और बैंगन जो है ना, आप 1-2 मिनट के बाद उसे फ्लिप कर सकते हैं, उसका साइड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, मिर्ची भुनी गई है ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना आपको खांसी स्टार्ट हो जाएगी, एकदम ज़्यादा भून जाएगी। मिर्ची को निकाल के इस थाली में साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे बैंगन भी अच्छे से भून रहा है, और मैंने क्या किया ना, यहाँ पे टमाटर एडजस्ट नहीं हो रहे थे, बहुत उसको कंजेशन हो रहा था, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था जगह के लिए। तो उसको मैंने पीछे वाले गैस में, फुल गैस में रख दिया है भूनने के लिए। और टमाटर को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। ये देखिए, एकदम अच्छे से भून गए। वो कैसे पता चलेगा, इसकी स्किन देखिए थोड़ी थोड़ी अलग हो रही है और अच्छे खासे काले हो गए, और वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसको सावधानी से निकालेंगे फोक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ये देखिए, आपको देख के पता चल रहा होगा कि अंदर से भी अभी तक पक ही रहे हैं टमाटर। तो टमाटर को निकाल देंगे, और यहाँ पे बैंगन को भी मैंने 2 से 3 बार फ्लिप कर दिया था। देखिए, बैंगन काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, तो दूसरी तरफ फिर से फ्लिप कर देंगे। अब पता कैसे चले कि अच्छे से पका है कि नहीं, तो ये देखिए, फोक से ऐसे उसको दबा के देखिए, एकदम अंदर तक अच्छे से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर ये कच्चा कच्चा नहीं है, कड़क नहीं है, अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो बस इस स्टेज में बैंगन को भी हम बाहर निकाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ठंडा होएगा तो ही आप इसे छील पाएंगे, वरना अभी तो मेरे से ये हैंडल नहीं हो रहा है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए इसका तड़का या फिर बेस मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच हींग। हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, वैसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा भी। जैसे ही दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएगी, इसमें मैं डालूंगी 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, बड़ा वाला प्याज मैंने यूज़ किया है। और इसे मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रख दिया है। तो जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं, चलिए हम बैंगन को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस वक्त मैं इसको हैंडल कर पा रही हूँ, ये हल्का गर्म ही बाकी है, तो इस वक्त इसको छील लेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, वो ये है कि बैंगन को धोना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बैंगन को धो लेते हैं और उसके फिर स्किन निकाल लेते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं करना। एक्चुअली मैंने भी ये गलती 1-2 बार की थी पहले, जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तब शुरुआत में मैं भी यही करती थी। तो वैसा नहीं करना है, वैसा करने से क्या होगा, कुछ मतलब ही नहीं होगा हमको इसको भट्टी वाला फ्लेवर देने का। मतलब उसका जितना भी स्मोकी फ्लेवर होगा ना, वो पूरा निकल जाएगा। तो वैसे नहीं करना है, बस इसको डायरेक्टली ऐसे छील लीजिए। ये देखिए, पूरा बैंगन मैंने छीन लिया, टमाटर भी छीन लिए, और अंदर की जो है ना
ये सब निकाल लिया है मैंने लहसुन, और अब इसको मैश कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे मैं फोक से मैश कर रही हूँ। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है बैंगन, इसलिए अच्छे तरीके से मैश हो रहा है। और अब मैं आपको लहसुन भी दिखाती हूँ। ये देखिए लहसुन भी एकदम एक ही बार में मैश हो गया, वरना नॉर्मली अगर आप कड़क लहसुन को मैश करेंगे ना तो ये जल्दी मैश नहीं होती है। इसका मतलब ये एकदम अच्छे से भुना हुआ है अंदर से, बस ये इसकी खास बात होती है, और कुछ तो है नहीं इस रेसिपी में। और टमाटरों को भी मैंने इस तरह से मैश कर लिया। ये देखिए, तो ये जो है ना सारे चीज़ें उसको थोड़ा सा मैंने चंकी रखा है, मैंने ये थोड़ा थोड़ा अखा अखा रखा है। और ये वाला जो है ना स्किन, ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, निकाल देंगे। पर अगर आपको चाहिए कि एकदम आपको पेस्टी मिक्सचर चाहिए तो आप पाव भाजी मैशर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्याज भी चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 और मिनट के लिए पकाएंगे जैसे उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमको एकदम लाल कलर चाहिए ना, तो बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जब झाग आती है ना तो पता चल जाता है कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं तेल और प्याज के साथ। तो इस वक्त मसाला जले ना, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। तो मैं तो जल्दी से ही पानी डाल देती हूँ क्योंकि 2-3 बार मैं मसाला जला चुकी हूँ। तो बस ये ध्यान रखिएगा जब भी आप मसाले डालते हैं ना डायरेक्टली तेल पे, तो पानी रेडी रखिएगा ताकि आप जल्दी से पानी डाल सकें। ये देखिए मसाला भुन गया है, तेल पे आ गया है। तो इस वक्त हम इस पे डाल देंगे हमारा मैश किया बैंगन का मिक्सचर, और इसमें हम डाल देंगे इसी वक्त नमक, क्योंकि अभी भी हमने नमक कहीं भी यूज़ नहीं किया है, तो अच्छे से वो पूरा नमक इसमें ले लेगा। और इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 और मिनट के लिए। तो ये देखिए जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना, तो जो अखा का हमने टमाटर और बैंगन छोड़ दिया था ना, वो अपने आप मैश हो जाएगा इसमें। तो ऐसे आप मिक्स करते जाइए इसे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम इसको ढक के पकाएंगे क्योंकि अभी तक सारी चीज़ों में हल्का हल्का कच्चापन है। इसको अभी ढक के पकाना है लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए लिड हटाकर चेक करते हैं, एकदम अच्छे से भुन गया है बैंगन, क्योंकि ऊपर तेल आ गया है सतह पर, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और फ्रेश धनिया भी, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सारी चीज़ें हमने इसी में बना दी, मसाले में और बैंगन और टमाटो के जूसेस में। इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, पानी हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है बैंगन भरता में, वरना वो जो स्मोकी फ्लेवर, जैसे मैंने आपको बताया ना भट्टी वाला फ्लेवर, वो चला जाता है। तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रेवी आई है। देखिए ग्रेवी जो है ना काफ़ी अच्छी से दिख रही है टमाटरों के वजह से और बैंगन के पानी की वजह से, तो पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसको मैंने लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दिया था बिना ढके, और 1 से 2 मिनट के लिए तेल ऊपर अच्छे से आ गया है, और इसका कलर भी ना काफ़ी गहरा हो गया, अच्छा लाल कलर का हो गया टमाटर और रेड चिली की वजह से। तो इस पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे बस 2 और मिनट के लिए। तो ऑफ फ्लेम पर आप बस इसको ढक के छोड़ दीजिए 2-4 मिनट के लिए। तो बस अब ये रेडी है, इसको हम सर्व करेंगे। तो ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है जो कि मेरी बुआ ने गिफ्ट की थी, इसमें मैं सर्व करती हूँ सारी सब्जियाँ। तो देखिए सर्व कर रही हूँ, तो आपको कैसे इतनी मज़े की लग रही है, बिल्कुल पानी नहीं छूट रहा है टमाटर का पानी, और साइड से एकदम भुनी हुई है। बस ये है कि जब कढ़ाई में सर्व करो ना सब्जी थोड़ी सी कम लगने लगती है, एक्चुअली सब्जी काफ़ी सारी है। इसको आप सर्व कर सकते हैं थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची के साथ। तो बस ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। बस इसकी खास बात ये है कि इसको भुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तो कुछ है नहीं इस रेसिपी में। अनियन टोमेटोज और बेसिक जो हमारे डब्बे वाले मसाले हैं ना वही लगते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो ढेर सारे लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे वेजिटेरियन दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आपसे कोई भी ऐसी रेसिपी मिस ना हो। चलिए मैं बैठ जाती हूँ खाना खाने, मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ। बहुत भूख लग रही है, बाय बाय।